नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी पिछले 10 दिनों से थी कि सर आप मॉपअप राउंड को लेके एक वीसी को एप्लीकेशन दे दीजिए। सो फाइनली आज ये आपकी इच्छा पूरी कर दी गई है। मैंने अपने तरफ से हर जगह पे आपका साथ दिया। ये हमारा अंतिम मुद्दा है और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे में भी हमें सफलता हासिल हो। और जो बात सही है उसी बात को लेके ये बात रखी गई है। मीन्स जो मुद्दा है हम लोग का ये एकदम परफेक्ट है। अगर हमारे मुद्दे पे सुनवाई होती है तो कई हजार बच्चों का जो है वो लाभ हो जाएगा, उनका मुनाफा होगा, उनका भविष्य बनेगा। सो फाइनली ये वीडियो प्रशासन तक जाती है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी मन की मनमानी ना करें। आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, बच्चों के हित के बारे में सोचें और ये सोचें कि उन्होंने अगर मेहनत करके मार्क्स पाया है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनके डिजर्विंग सब्जेक्ट्स, लोकेशन, कॉलेज कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। जैसे इतना लेट हुआ है, एक दिन सहलेगा हर आदमी। वैसे मैं आपको बता दूं, बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पैनिक मत होना, लेट थोड़ा भी नहीं होगा। ये काम सिस्टम का है, जस्ट वहां पे एक आइकन क्रिएट करना है कि हाँ अब आप भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें कोई दूसरा काम ऐसा है ही नहीं जो कि 10 दिन लगा देगा। तो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा या और समय लगेगा। ये बस एक एडमिशन कमिटी के द्वारा आइकन क्रिएट करने की बात है। वो बस एक ऑप्शन दे दें कि हाँ मॉपअप राउंड में अब जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि उनको बेहतर सब्जेक्ट मिल सकता है। उसके बाद ऐसा अगर करते हैं तो सीटें खाली भी होंगी, आप सभी को पता है, वो प्रमोट होंगे, वो आगे आ जाएंगे और जो सीटें बच रही हैं उस पे आराम से आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको भी मिल जाएगा। यानी जो बच्चे अभी तक बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाए हैं उनका भी सपना साकार होगा। ऐसा नहीं है कि वो इस वीडियो के माध्यम से अन्यथा ले लें कि आपके हित में बात नहीं की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी बीएचयू सीएसई, जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, अगर इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करती है तो कहीं ना कहीं वो विड्रॉल सीट का भी एक अलोकेशन क्रिएट करेगी, मींस काउंट करेगी। और वो सीटें जब काउंट होंगी तो ज्यादा से ज्यादा आएंगी, और जब ज्यादा से ज्यादा आएंगी तो आपके पास ऑप्शन बनेगा, अपॉर्चुनिटी बनेगा एडमिशन लेने का। तो ये एडमिशन की पॉसिबिलिटीज को ज्यादा करने का भी एक मुनाफा है, इसमें एक फायदा हो सकता है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग जाइए, देखो मैंने यहां पर रिट्वीट मार दिया है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके कमेंट में मिल जाएगा, कम्युनिटी में डाल दिया है। आप सभी से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ के इतना रिट्वीट मारो कि बीएचयू भीसी साहब के होम पेज ट्विटर से ये मुद्दा हटना नहीं चाहिए और वो इमीडिएटली सीएससी को फॉरवर्ड करें और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पे एक्शन लें। आप सभी से निवेदन है कि आज शाम तक 500 से ज्यादा रिट्वीट मार देना। आप लोग 500 से ज्यादा रिट्वीट मारना कि बीएचयू भीसी साहब को एक्शन लेना ही पड़े और मॉपअप राउंड जल्द से जल्द आ जाए, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए, उसका सीट हमें पता चल जाए कहां कहां पे अलोकेट है और उन बच्चों को भी मौका मिल जाए जो बीएचयू में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं बट उनको मॉपअप राउंड में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसी संभावनाएं बन रही है तो आप लोग बढ़ चढ़ के रिट्वीट मारें जिससे कि हमारा मुद्दा सुना जाए, ठीक है। और बाकी भाई देखो, मैं तो अपने साइड से मैं भीसी को मेल कर दिया हूं, ये मेल का ही स्क्रीनशॉट है, आप पूरा लेटर पढ़ लेना। पूरा मैं देखो लेटर डाला हूं, देखो ये जो लेटर है ये वाला, ये देख रहे हो नीचे, ये पूरा मैंने डाला हुआ, ये पूरा भीसी साहब को मैंने सुबह सुबह लेटर लिखा, सुबह नहीं डाला है मैंने, आई थिंक 1:00 समथिंग पे डाला है थोड़ा। तो ये आप लोग इतना रिट्वीट मारो कि भीसी साहब को ये पूरा पढ़ना पड़े क्योंकि मैं पूरा पॉइंट काउंट किया हूं। देख रहे हो ये पूरा पॉइंट है, 1 पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये भी है कि मॉप राउंड को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ये पूरा मैंने काउंट किया हुआ है, फिर समाधान भी लिखा हुआ है। उक्त दोनों बातों से पता चलता है कि मॉपअप राउंड में सभी छात्रों को मौका नहीं मिला तो मेरिट के अनुसार एडमिशन नहीं होगा। ये पूरा मैंने मुद्दा बहुत अच्छे से, मतलब उनको मैंने समस्या बताया, समाधान भी बताया है, बस इसको इंप्लीमेंट करना है। ये काम बहुत कठिन नहीं है भाई, समझ रहे हो ना, मतलब मैंने सब कुछ बना के दे दिया है, आप बस आराम से सीएससी को आप एक बार बात करो बैठ के और बच्चों के हित में फैसला ले लो। तो मुस्कुराते रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे जरूर इस पे स्टैंड लेंगे और अपना सहयोग बनाए रखेंगे। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे भाई हम ही को फायदा होगा, वीडियोस आएगा तो वो मुद्दा समझेंगे, मुद्दा समझे तो रिट्वीट मारेंगे और रिट्वीट मारेंगे तो बीएचयूबी साहब को होम पेज पे पूरा मुद्दा बना रहेगा, तो वो सीएससी से बात करेंगे और सीएससी कम से कम आपके लिए एक इंप्लीमेंटेशन करेगी जिससे कि आप भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाओगे। सो फाइनली
मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द यानी कल तक तो ये मुद्दा एकदम हाईलाइट हो जाना चाहिए और ये वीडियो कम से कम 10 के जाना चाहिए या 7 के जाना चाहिए, ठीक है। और हर कोई लाइक करना, लाइक करोगे तो वीडियो रिकमेंड करता है, रैंक करता है, और ये वीडियो रैंक करेगा तो हमारा वीडियो अपने आप लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और हाँ, एक वो जो प्रसाद चढ़ाने का जो इनिशिएटिव है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो लोग भी पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दें व्हाट्सएप पे। 9 अक्टूबर को हम लोग उसकी लिस्टिंग करेंगे कितना पेमेंट आया है, और उस हिसाब से हम लोग लोकेशन डिसाइड करेंगे जहां बच्चे आके वो भी भाग ले सकते हैं उस महा प्रसाद आयोजन में। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।